वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे सोप मेकिंग किट, पेपर सोप मेकिंग किट। तो वीडियो पूरी देखना मत भूलने। तो सबसे पहले हमें लेना है एक खाली कंटेनर। तो इस ये है एक सोप का कंटेनर। ये थोड़ा ऊपर से और साइडों से अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे लेबलिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने पिंक पेपर लिया, उस पर लिखा है शिफा सोप मेकिंग किट। अब हम इसे साइड में भी लेबलिंग कर देंगे। अब हमारे तीनों तरफ से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सोप बनाने का सारा सामान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है डिटॉल का साबुन। कुछ लोगों के पास वो वाला हैंड वॉश वाला नहीं होता है साबुन, तो मैंने ये वाला यूज़ किया है, इससे बना सकते हो। और यहाँ पर हमें टिश्यू का यूज़ नहीं करना है इसे बनाने के लिए। सिंपल हमें पेपर का यूज़ करना है, कलर वाले नहीं बल्कि नोटबुक पेपर का। और अब हमें लेना है एक बॉटल, छोटी सी ग्लास बॉटल है, पर आप कोई सी ले सकते हो बॉटल से भर हुई। और एक ब्रश आपके पास नहीं है तो आप वाइट बोर्ड का या कोई भी फोम ले सकते हो। अब हमें नोटबुक पेपर लेने हैं, मैं 4 लिए हैं, आप कितने भी ले सकते हो। अब हमें सीजर लेनी है। और ये है यहाँ पर, इसमें हम अपनी सोप रखेंगे जो हम बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरीके की सोप मेकिंग किट रेडी हो चुकी है। अब एक फेविकोल का एक छोटा सा कंटेनर लेना है, उसके अंदर मैं फेविकोल भर दूँगी क्योंकि ये पेस्ट करने में काफ़ी काम में आएगा। तो ये हमारी सोप मेकिंग किट रेडी हो गई है। अब मैं आपको ना इसमें से सोप बना के दिखाऊँगी। तो आपको यहाँ तो हम पैड ले सकते हो यहाँ पर अगर आप, या फिर सिंपली जो मैंने लिया है प्लेट ले सकते हो। और अब हमें लेनी है वो वाली बॉटल जिसमें मैंने वाटर रखा था, और एक पेपर और ब्रश और डिटॉल का साबुन। और अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करके छोटी वाली जो मैंने सीजर रखी थी इसके अंदर, उससे हमें कट कर लेना है। देखिए छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है क्योंकि हम छोटे छोटे हैंड वॉश बनाएंगे। और अब मैं ज़रा रख के देख लेती हूँ कि साइज का है या नहीं। सो ये साइज का तो है। और अब हमने ये देखिए कुछ पीस हो चुके हैं इसके कट। अब हम इसमें आपको बताती हूँ सोप कैसे बनाना है हमें डिटॉल से। तो सबसे पहले हमें अपनी जो वाटर बॉटल है उसे ओपन कर लेना है छोटी सी। उसके बाद हमारा जो फोम है उसके ऊपर हम इस तरीके से वाटर रख कर अपने सेल्वन मतलब डिटॉल के साबुन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें झाग होने लग जाए। ओके, फिर हमें एक पेपर ले लेना है, उसके ऊपर हमें अच्छे से ज़्यादा ज़्यादा लगा लेना है दोनों साइडों से। ओके, ताकि इसमें भर जाए अच्छे से और बाद में निकल भी जाए हम यूज़ करें। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि हम इस सोप मेकिंग किट से जितने ज़्यादा चाहें उतने सोप बना सकते हैं, और जब ये ख़त्म हो जाए तो दूसरे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं सारे कर देती हूँ। और देखिए अब मैं एक और मतलब इन्हें सुखाने के लिए एक प्लेट का यूज़ करूँगी। इस तरीके से अब मैं सारे कर लेती हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके गाइस, तो चलिए मैं जल्दी से कर देती हूँ, ये हो गए हैं। अब मैं इसे ड्राई होने रख दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस डल चुकी हैं और आने वाली भी हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये ड्राई हो चुके हैं। अब हमें इकट्ठा कर लेना है, और साइडों से अगर ये थोड़ा बाहर या अंदर हो रहे हैं तो हमें इसे लेवल कट कर लेना है बिल्कुल साइज में। ये देखिए गाइस, इस बार मैं बिग साइज की सीजर से कट कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से कट कर लेना है, थोड़ा बाहर हो रहा था। अब हमें फेविकोल लेना है और इस तरीके से हमें इस पे पेस्ट कर देना है। ओके गाइस, और अगर ये जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से बना लूँगी। और ये पेस्ट हो चुका है, मैं आपको इसका यूज़ भी करके दिखाती हूँ क्योंकि वर्क तो करता ही है। तो ये देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर, और अब मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं एक निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं अपने हाथ पर रख कर इसमें थोड़ा वाटर डालूँगी। और फिर देखिए गाइस, इस तरीके से मैं इसे मिलाऊंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सारा सोप निकल गया है इसमें से। ये रियली वर्क करता है, आप जरूर से ट्राई करना। और ये देखिए अब दोबारा हम टेबल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि आप इसे ज़रूर से ट्राई करना क्योंकि आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं।
तो ये देखिए गाइस, ये अब भी बहुत है इसमें। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ट्राई करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।